ये हमारे जीजा जी हमारे लिए लाए हैं खोल के देखते क्या है इसमें। बहुत ही स्पेशल चीज़ जो हमको खाए हुए मुझे लग रहा है कि 20-25 साल हो गए। ठीक है, मेरी अपनी खुद की दुकान थी तो हम खाया करते थे। ठीक है, अब जीजा जी इतने प्रेम से लाए हैं तो हमको खाना भी पड़ेगा। वैसे मेरा खाने का मूड में नहीं था मैं। और इसको बोलते हैं बनारसी पान, खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल की ताला। अभी पहले इसको अंदर दिखाते हैं कि क्या है। एक चीज़ मैं दिखा दूं, पहले के ज़माने में सिर्फ महुआ के पत्ते में लपेट के देते थे, अब देखो अखबार में प्लस एक और पन्नी। इसमें क्या क्या है? तो ये जो कत्था है, ये पान है, ये सौंफ है, ये जो है, चेरी का टुकड़ा है ये। और काका भाव, केसर धागा है इसमें, केसर का धागा है, उसी की चटनी है और नारियल बुरादा है। अच्छा, नारियल का बुरादा है इसमें। जो कोई दिखाई दे रहा, इसमें कोई खैनी, सुरती और क्या बोलते हैं उसको, सुपारी नहीं है। ठीक है, जानकारी के लिए बता दूं कि जब मेरा अपना खुद का दुकान था तो हमने बहुत पान खाया। और पान खाने का तरीका ऐसे इतना पॉइंट काट के फेंकना होता है, वो भगवान जी को चढ़ाया जाता है। ठीक है, जो अपने भगवान जी को चढ़ा, ये गिरा हुआ है मेरे पॉइंट। इससे लोग दारू पीते हैं, एक पांच बूंद गिराते हैं ना, तो उसी तरह इसका पॉइंट इस तरह से काट के, ये देखो एक पीएचडी होल्डर उधर भी खा रहा है पान। वैसे मैं बता दूं कि भारत में जो पान के, भारतीय कल्चर में पान का बहुत बड़ा महत्व है। पूजा पाठ, तिलक, बरच्छा, बिया, सुहाग रात सब में इस्तेमाल किया जाता है। हमारे सुहाग रात में हमको पान दिया गया था, क्योंकि एक पान, दो पान ले गए तो उन्होंने एक दूसरे को खिला देना। तो हमारी जो शुरुआत हुआ था लाइफ का, शादी के बाद पान से ही शुरू हुआ। तब तक हमें पता नहीं, लास्ट मोमेंट हमको बताया गया कि सुहाग रात में जाना तो पान खिला देना। सही में से वैसे, और विदाई के दिन दुल्हा को ढेर सारा पान किया जाता है, तो दुल्हा खाता नहीं है, इसे मुंह से पकड़ लेता है फिर फेंक देता है, पकड़ लेता है फेंक देता है। ये आधा खा ली दीपा, खाबू आधा तू खा, आधा हम खा ले। चलो जीजा इतना मेहनत करके ले आए तो मैं आधा पान खा लेता हूँ। और पान जो है पुराने ज़माने में, अगर कोई आदमी किसी अपरिचित मेहरारू को पान खिला दे, समझ लो कि उसके उसके ऊपर गंदी नज़र है। कहो, हाँ ये सब तो हमें नहीं पता भाई। हाँ, मतलब गांव में जैसे लव मैरिज या लड़की पटाना, छेड़खानी करना, अगर कोई लड़का किसी लड़की को पान दिया, अगर लड़की ने पान ले लिया तो समझ लो कि मामला सेटल। तो यार हम आज जाना था ही। हाँ, तो ये फिल्म में कबो रहा नहीं है ना, हमें नहीं जानकारी इस सब चीज़ के, लेकिन आज सुना है कि ऐसा कुछ होता है। हाँ, और इतना ही नहीं, पहले क्या होता था कि पान और कुछ इस तरह से, जैसे उधर से औरतें आ रही हैं ना, लड़कियाँ आ रही हैं, कुछ लोग जो है पान जो है दांत पे से रख के भाग जाते थे और दूर से देखते थे। अगर वो लड़की पान उठा के खा ली तो मतलब पहला सिग्नल है। यार घर जब बताओ, मैं सही बता रहा हूँ, मतलब ऐसे ऐसे लड़के और ऐसी लड़कियों को पता रहता है। तो यार नया जानकारी मिली, आधी लाइफ हमारे सब बीत गई नहीं जान पाओ, लेकिन आज जाने की मिली। और पान के बाद शुरू हुआ लौंग लता, फिर उसके बाद लौंग लता अगर किसी को दे दिया, किसी लड़की को, तो समझ लीजिए उसका उसने आपका प्यार स्वीकार कर लिया। फिर वही रास्ते में आ रही, रास्ते में रख दीजिए, अगर आपका लौंग लता गायब है, समझ लीजिए मामला सेटल है। और अभी वर्तमान में पता नहीं क्या चल रहा है, वर्तमान में मुझे लग रहा है रिचार्ज होगा, अगर आप अगर किसी का रिचार्ज करवाना है। डब्लू आजकल क्या चल रहा है?
ये देखिए हमारे भैया के लड़के हैं, पीएचडी कर रहे हैं, ये भी पान खा रहे हैं। ये हमको बताएंगे आज के ज़माने में लड़के लड़कियां कैसे पटाते हैं, कैसे प्यार स्वीकार करवाते हैं, बताइए। हम नहीं बताएंगे कुछ भैया ना, सब जानते हैं, हम कुछ नहीं बताओ। अगर किसी लड़की लड़का को किसी लड़की पसंद है तो पहला सिग्नल और फाइनल सिग्नल क्या होता है बताओ? लव गुरु नहीं ना, लव गुरु नहीं हमें तो होता है। अच्छा आपने बताया क्या? नहीं आपन मत होता इन जनरल। देखो ये शर्मा रहा है इसका मतलब नहीं जानता है। वैसे मैं जान वर्तमान में आजकल मोबाइल फ़ोन आ गया है, सब बहुत आसान हो गया है, इंस्टाग्राम के माध्यम से लोग संपर्क करते हैं, वहीं से सब हो जाता है मुझे लग रहा है। मैं हाथ धो के आता हूँ। देखिए हमने पान खाया और हमारा जीभ लाल नहीं हुआ क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें वो नहीं डाला गया था, चूना नहीं लगाया लग रहा है। ठीक है पान खाए सैया हमार, भोले सूरतिया होठ लाल लाल, हाय हाय मखमल का कुर्ता, अब मखमल के कुर्ते पे छीट लाल लाल, पान खाए सैया हमारो।